नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 विषय गुजराती में पूरक वाचक चेप्टर 3 एक ज लक्ष्य एना विषय अभ्यास करीशुं। एमना लेखक से नाना भाई भट्ट, जन्म 1882, अवसान 1961। नाना भाई भट्ट भावनगरना वतनी हता। नाना भाई भट्ट भावनगरनी वतनी हता। तेवो दक्षिणामृति संस्था भावनगरना स्थापक हता। गुजरातना शिक्षण क्षेत्र में नवा नवा प्रयोगों करनारा आदर्श शिक्षक अने एक प्रखर शिक्षणकार हता। तेमना लखाणों में सरल अने सचोटपणे मूल्यबोध प्रगटे से। महाभारतना पात्रों तथा रामायणना पात्रों तेमना किशोर भोगी उत्तम ग्रंथों से। आ दृष्टांत कथा द्वारा लेखकनी दृष्टिए आदर्श विद्यार्थी केवो होय ते व्यक्त करवामां आव्यो छे। एकाग्रता तथा निष्ठा ए ध्येय प्राप्ति माटे परम आवश्यक गुणों छे, तेवुं पण दृष्टांत कथामां दर्शाववामां आव्यो छे। महाभारतमांथी अर्जुनना विद्यार्थी काळना प्रसंगने गूथी अहीं मूल्यबोध सरस रीते प्रगट कर्यो छे। द्रुपदना दरबार में अपमान पामीने द्रोण फरता फरता हस्तिनापुर आवी चढ़िया। द्रुपद द्रुपद यानी कि द्रौपदीना पिता, द्रुपद एटले के द्रौपदीना पिता, पंचाल देशना राजा। दरबार में अपमान पामीने द्रोण फरता फरता हस्तिनापुर आवी चढ़िया। हस्तिनापुरना एक कूवा पासे राजकुमारों रमता हता। द्रोणे अस्त्र विद्या प्रभावथी कूवामां पड़ेलो डडो बहार काढ़ी आप्यो। कुमारे आ वात भीष्म पितामहने तथा महाराज धृतराष्ट्र एटले के कौरवोना अंध पिता एटले ते बन्ने ये विचार करीने द्रोण ने राजकुमारोना गुरु तरीके स्थाप्या। आ जमानामां गुरुनी सेवा ए विद्यार्थी जीवननुं एक आवश्यक अंग मनातुं। विद्यार्थीओ गुरुकुळमां रहे ते दरमियान આખુય ગુરુકુળના નાના મોટા તમામ કામો પોતે જ ઉપાડી લેતા અને એ રીતે જીવનમાં સ્વાસ્થ્યની અણમૂલી તાલીમ પામતા। સ્વાસ્થ્ય એટલે કે પોતાની ઉપર આધાર રાખવો તે સ્વાસ્થ્ય એટલે કે પોતાની ઉપર આધાર રાખવો તે અણમૂલી તાલીમ પામતા। આશ્રમમાં નવો દાખલ થનાર વિદ્યાર્થી આશ્રમની ગાયોને ચારવા માટે જંગલમાં લઈ જતો। આશ્રમના વૃક્ષોને પાણી પાતો ગુરુના હવી એટલે કે યજ્ઞમાં હોમવાનો દ્રવ્ય અને સમિધ એટલે કે યજ્ઞના લાકડા માગી લાવતો અને જીવનમાં આવા તેવા કાર્યોમાં પોલોટાવું એટલે કે કામકાજમાં પાવરધા પોલોટાયા એટલે કે કામકાજમાં પાવરધા થવું પછી રીતસરની વિદ્યા ભણવી શરૂ કરતો। આમ પાંડવોને તેમજ કૌરવોને ગુરુ દ્રોણની સેવાની તાલીમ મળી। કુમારોની પરીક્ષાનો વખત નજીક આવતો હતો। કુમારોએ દ્રોણાચાર્ય પાસેથી કેવી કેવી વિદ્યાઓ મેળવી છે તે હસ્તિનાપુરની સમગ્ર પ્રજા જુએ એવો ભીષ્મનો મનોરથ હતો અને તેટલા માટે એક આલેશાન મંડપ ઉભો કરી જનતાની સમક્ષ કુમારોની પરીક્ષા કરવાનો વિચાર ચાલી રહ્યો
दरिया दरमियान द्रोणाचार्य पोताना संतोष अर्थ शिष्योनी तपास करवानो निश्चय कर्यो। एक वक्त बधा अस्त्र शाळा में वक्तसर हाजर थया एटले आचार्य अचानक जाहिर कर्यो, आजे हूँ तमारी परीक्षा करवानो छू। राजकुमारो तैयार थया अने पोताना साधनों लईने बहार मैदान में आव्या। राजकुमारो तैयार थाय से अने पोतपोताना साधनों लईने बहार मैदान में भेगा थाय से। मैदान में दूर एक झाड़ पर धोड़ा रंगनुं एक बनावटी पक्षी गोठव्युं हतुं अने लाल रंगना बे रत्नोनी तेनी आँखों बनावी हती। आचार्य कुमारों ने जणाव्युं के पेला दूरना झाड़ पर मैं जे पक्षी गोठव्युं से तेनी आँखों ने मारी तमारे विंधवानी से। कुमारो तैयार थया तेमनी आँखों तैयार थई, तेमना धनुष्य तैयार थया, तेमना तीरो तैयार थया। आचार्य बोलिया, कुमार युधिष्ठर पहलो तमारो वारो, जुओ आ हूँ ऊभो छू, सामे भूरू आकाश पड्यू से, पेलू रह्यू झाड़ अने तेना पर पक्षी से, तमे आ सर्वने जुओ छो? प्रश्न करे से, कहे से के तमे आ सर्वने जुओ छो? अहीं सामे भूरू आकाश पड्यू से, पेलू रह्यू झाड़ से सामे तेना पर पक्षी से, तमे तेमने जुओ छो? कहे से। युधिष्ठर ऊभा थया, धनुष्य भान हाथ में, धनुष्य बाण हाथ में लीधा अने पक्षीनी सामे नजर करता बोलिया, गुरु महाराज हूँ तमने ये जोऊं छू, भूरा आकाश ने ये जोऊं छू, दूरना झाड़ ने ये देखूं छू अने बास पक्षी ने ये देखूं छू। कहे से के हूँ तमने जोऊं छू अने आ भूरा आकाश ने जोऊं छू, दूरना झाड़ ने देखूं छू, एवं कहे से। युधिष्ठरना आ जवाबथी द्रोण खीण थया। युधिष्ठरना आ जवाबथी द्रोण खीण थया एटले के गुस्से थवू, खीण थया एटले के गुस्से थवू। गुस्से थईने बोले से के तमे बेसी जाओ, पछी वारो आव्यो दुर्योधननो। दुर्योधन कुमार जुओ आ हूँ ऊभो छूँ, सामे भूरू आकाश पड्यू से, पेलू झाड़ रह्यू अने तेना पर पक्षी से, तमे आ सर्वने जुओ छू? दुर्योधन हाथ में धनुष्य बाण लेता जवाब वाड़ियो, गुरुदेव हूँ आ बधा भाईओने देखूँ छू, तमने देखूँ छू, भूरा आकाश ने देखूँ छू, झाड़ ने देखूँ छू अने तेना पर रहेला पक्षीना शरीर ने देखूँ छू। द्रोण हाथ पसाड़ता कहूँ बेसी जाओ, पछी भीमसेन ऊभो थयो अने आचार्यना प्रश्नना जवाब में बोलियो, गुरुजी हूँ तमने सोने देखूँ छू, आकाश में मोटा मोटा वादड़ा तरे से तेमने ये देखूँ छू, झाड़ना कोतरो में पेलो बिलाड़ो फरे से तेमने ये देखूँ छू अने झाड़ पर तमे दोड़ू दोड़ू कंईक गोठव्यू से तेमने ये देखूँ छू। द्रोण निरुत्तर थया, निरुत्तर थवू एटले के उत्तर न आपवू, के द्रोणे उत्तर न आप्यू अने भीम ने बेसाड़ी दीधो। गुरु घणा कुमारो कने फरी वड़िया पण कोईना उत्तर थी तेमने संतोष न थयो। एटले सेवटे अर्जुन तरफ वड़िया, बेटा अर्जुन हवे तारो वारो से, तारा पर मारी सर्व आशा से, आ सौने मारे पराणे विद्या शीखवी पड़से। पराणे एटले के अहीं पराणे एटले के कामने इच्छा विरुद्ध शीखवी पड़े से। त्यारे तू तो विद्यानो भूख्यो थईने रोज मने सोतो आवे से, उठ तैयार था, जो आ हूँ ऊभो छू, सामे भूरू आकाश पड्यू से, दूर पड़ेलू झाड़ से अने तेना पर पक्षी से, तू आ सर्वने जुए से।
द्रोण हजी तो वाक्य पूरु करे से त्या अर्जुन बोलिया गुरुदेव हूँ तमने देखतो नथी आकाश ने देखतो नथी झाड़ने देखतो नथी मात्र एक पक्षी ने देखू छु बाण छोड़वानी आज्ञा आपो बेटा अर्जुन। द्रोण बोलिया अमने कोई ने देखतो नथी एकला पक्षी ने देखे से महाराज हवे तो आ आखा पक्षी ने देखतो नथी मात्र तेनु माथू ज देखूं छूं। तरत तज अर्जुन ने जवाब वाड़ियो अने द्रोण कई बोलवा जाए त्यां फरी बोली उठ्यो महाराज हवे तो आ पक्षी नु माथू ये नथी देखतो मात्र बे राता तारा जगमगे से तेने ज देखूं छूं बेटा एने ज विंद। द्रोणना शब्दों होठ बहार पड़िया ने न पड़िया त्या तो अर्जुन बाण सनन करतु सूट्यू अने पक्षी नी आँख में चोट्यू। शाबास बेटा शाबास तू मारू खरु शिष्य से तारा पर हूँ प्रसन्न थयो छूं बेटा आ अस्त्र विद्या में मारू कोई शिष्य तारा थी चढ़िया तो नहीं थाय एवं मारू मानवू से। द्रोणाचार्य अर्जुन ने हाथ में बात में लीधो अने तेनु माथू सूंघ्यू चारे चारे बाजू अर्जुन कर फरता वीटड़ाए वड़िया अने कौरव बधा एक खूणा में एकठा थईने गुपसुप करवा लाग्या। आ जैसे आ दृष्टांत कथा से आज एक ज लक्ष्य ए आ महाभारतना पात्रों माथी लेवामा आव्यु से। हवे आ जे से टिप्पणी से ए जोईए तो एमा हवी एटले के यज्ञमा हुमवानु द्रव्य अने समिति एटले के यज्ञना लाकड़ा पलोटावु एटले के कामकाजमा जोड़ाए पावरधा थवु अस्त्र शाळा एटले के हथियारों राखवानु स्थान ने भास पक्षी एटले के पक्षीनो आभास थाय तेवु बनावटी पक्षी। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आगळनो अभ्यास बीजा वीडियो में जोईशुं। थैंक यू।